करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, अरे चोर है भाई चोर है, अरे प्रिंसिपल चोर है, अरे चोर है भाई चोर है, अरे प्रिंसिपल चोर है, अरे चोर है भाई चोर है, अरे प्रिंसिपल चोर है, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चोर है भाई चोर है, अरे चोर है भाई चोर है, अरे चोर है भाई चोर है, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ आराम करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ आराम करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ आराम करो, अरे चोर है भाई चोर है, प्रिंसिपल चोर है, अरे चोर है भाई चोर है, प्रिंसिपल चोर है, यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बस्तर यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बस्तर यूनिवर्सिटी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, अरे प्रिंसिपल तुम ने काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, प्रिंसिपल तेरे राज्य में अंधेर ही अंधेर है, अरे प्रिंसिपल तेरे राज्य में अंधेर ही अंधेर है, अरे प्रिंसिपल मुर्दाबाद, 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 फोटो सारे ऊपर कर लो, सारे बिठा दो, देखिए आज का जो प्रोटेस्ट का इशू है, जी मेरा नाम आकाश भगत है, आज के जो प्रोटेस्ट का इशू है, इशू ये है कि कॉलेज का जो मेन मुद्दा है उससे ध्यान भटकाकर कॉलेज के जो माइनर इश्यूज हैं, जो स्टाफ को हरास किया जा रहा है, उस पर हायर एजुकेशन का और यूनिवर्सिटी का जो है ध्यान लाया जा रहा है, जबकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ये कल पुष्टि की है कि कॉलेज का 2.5 करोड़ रुपया जो है वो घपन हुआ है। वो घपन किसके द्वारा किया गया है? क्या वो घपन कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा किया गया है या क्या वो घपन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है? जब कोरोना के समय में विद्यार्थियों ने रोड़ों पर उतर के प्रदर्शन किया और ये मांग की कि हमारी फीसों को आधा किया जाए या हमारी फीसें कम की जाए, यूनिवर्सिटी ने 2 फेसों में फीसें ली और फीसें किसी की कम नहीं की, परंतु जब विद्यार्थियों का 2.5 करोड़ रुपया खाया जाता है तब कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप बैठी है और हमें ये बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो 2.5 करोड़ गया तो गया कहाँ। जब कोरोना के समय में सभी कॉलेज कैंपसेस बंद थे, जब भी कोरोना के समय में सभी डेवलपमेंट कार्य रुके हुए थे, तो आपने सर वो 2.5 करोड़ रुपया अगर खर्चा तो आपने कहाँ खर्चा? यदि आपने 2.5 करोड़ खर्चा भी है तो विद्यार्थियों को उसका रूप बताइए कि आपने किस वे में वो 2.5 करोड़ रुपये को खर्चा है। कॉलेज के स्टाफ को हरास करके विद्यार्थियों का और यूनिवर्सिटी का मुद्दे से ध्यान भटकाकर माइनर इशू जो कॉलेज के हैं, जबकि जिन विद्यार्थियों की सही तरीके से एडमिशन हुई है उन विद्यार्थियों का विषय बना लें कि इनकी एडमिशन सही तरीके से नहीं हुई है या इन विद्यार्थियों की एडमिशन में कोई गड़बड़ घोटाला है, और जबकि गड़बड़ घोटाला कॉलेज के प्रिंसिपल के फंड द्वारा किया जाता है जो कि केवल 2.5 करोड़ रुपया नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी थोड़ी जानकारी और इसकी थोड़ी और जांच की जाए तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 10 से 12 करोड़ का यह घोटाला है जो कि सिर्फ 2.5 करोड़ का दिख रहा है। धन्यवाद।